हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज से हम जो है माइनक्राफ्ट जावा सीरीज 1.17 लेटेस्ट वर्जन जो आया है अपडेट, उसका सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक जंगल में स्पॉन हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा बाहर जाकर देख लेता हूँ कि बाहर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम जो है पूरा सीरीज खेलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, वो नीचे एक केव है, मैं बच गया, मैं बार बार बच गया। तो वो वहाँ पे हनी भी है, हनी भी वो उधर देखो, मधुमक्खी काफी अच्छा चीज है। तो चलो फटाफट हम यहाँ से जो है एक एक आध पेड़ तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो गधे भी खड़े हैं, गधे है या लामा है, पता नहीं क्या है, जो भी है खड़ा है देख रहे हो, वो भी क्रीम कलर का। तो यहाँ पे हमें डार्क वुड मिल रहा है, तो काफी बढ़िया है। मुझे डार्क वुड एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। जो हमें हाउस है ना, हाउस के लिए मुझे जो साइड का एरिया है, मुझे डार्क वुड अच्छा लगता है। पहले मैं व्हाइट वुड इस्तेमाल करता था, बट अभी मुझे डार्क वुड ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनको रख देते हैं एक साथ, चार को रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्राफ्टिंग टेबल। फटाफट क्राफ्टिंग टेबल को रख देते हैं। क्राफ्टिंग टेबल में हमें थोड़ा स्टिक चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा वुडन पिकेक्स। फिर हमें चाहिए, एक मिनट, दो स्टिक और यहाँ पे तीन रखेंगे तो वुडन एक्स, और साथ में हमें एक बोर भी बना लेते हैं, क्योंकि इधर चारों ओर पानी है तो काफी इजी होता है ना, पानी में आते जाते रहना। तो चलो उधर चलते हैं, देखते हैं क्या है साइड से। हो, ये देखो मधुमक्खी, देख रहे हो मधुमक्खी उड़ रहा है। अरे मैं अटक गया, एक मिनट, लूबी, ओ माय गॉड, ये क्या है? ओ अच्छा, नाइस नाइस नाइस। तो गाइस, हमें मिल चुका है एक ब्रोकन पोर्टल। ठीक है, तो ये पोर्टल जो है वो ब्रोकन होता है। तो दो ऑब्सिडियन मिल चुका है, गोल्डन बूट, और इसमें शायद एन्चेंटेड है। ये क्या है? एक कॉन्फिडेंटी और फेदर फॉल, बढ़िया है। एक कॉन्फिडेंटी मतलब पानी के अंदर मैं रह सकता हूँ, और फेदर फॉलिंग से मुझे, फेदर फॉलिंग टू है तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा, आई है ऊपर से गिरूं तो। और मैं इसको ही तोड़ लेता हूँ, इसका क्या काम है इधर? इधर लावा भी है, इधर चारों ओर, ओ ऊपर गोट है। एक काम करता हूँ, मैं एक अचीवमेंट कर लेता हूँ। गोट ऑन बोर्ड वाला जो अचीवमेंट होता है ना, वो मैं कर ही लेता हूँ, क्या ही बोलते हो। ओ अचीवमेंट हो गया। चलो अचीवमेंट हो गया भाई, अचीवमेंट हो गया, नाइस। चलो ये तो अच्छा हुआ। ओ यहाँ पे कद्दू है, चलो कद्दू कटते हैं। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो कद्दू है इधर, तो चलो कद्दू भी हम ले लेते हैं थोड़े बहुत। पम्पकिन, पम्पिन पाई जो है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, पम्पिन पाई। वो मुझे स्केलेटन का साउंड आया था। आई थिंक मुझे यहाँ पे जाना, इधर से जाना चाहिए। तो चलते हैं इधर आगे की ओर, देख लेते हैं इधर क्या क्या चीजें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बेसिक कुछ चीजें तो मिल चुका था। ठीक है, आयरन एंड बूट एंड गोल्डन हेलमेट, साथ में हमें ऑब्सिडियन वगैरह भी मिला था, तो सही है। हमारे पास पम्पकिन भी है खाने के लिए, इनफैक्ट अगर हमें भूख लगे तो, पता नहीं भूख लगेगा कि नहीं, बट
हम अजम कर लेते हैं कि भूख लगे तो हम मिल जाएगा। भाई ये क्या चीजें हैं, मैं चारों ओर अटक रहा हूँ बार बार। काफी दिनों से मैंने ये बोट नहीं चलाया है शायद इसलिए। चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं आगे क्या क्या है। आई होप कुछ अच्छा ही होगा। ट्वाइंग ट्वाइंग ट्वाइंग, चलो आगे चलते हैं आगे। ओ माय गॉड, आगे तो एक ओके नाइस, आगे एक विलेज है तो ओके। नीचे आयरन भी है, नाइस नाइस नाइस। तो मैं यहाँ से जो है फटाफट थोड़े कोल फार्म कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं तीन जो है स्टोन ले लेता हूँ फटाफट, ठीक है, क्योंकि मैं स्टोन से स्टोन पिकेक्स तक जल्दी जल्दी होता है, ये वुडन पिकेक्स उतना भी अच्छा नहीं होता है। तो फटाफट अभी मैं कोल लेता हूँ इधर से। जब भी आप पिकेक्स बनाओ सबसे पहले आप जो है कवर स्टोन ले लो, क्योंकि एक बार स्टोन हो गया तो आप स्टोन का पिकेक्स वगैरह बनाओ, बेकार में वुडन पिकेक्स वगैरह से उतना मेहनत कौन करेगा, है ना। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना क्यों काटा, क्योंकि मुझे फर्नेस भी बनाना है और साथ में स्टोन का जो बाकी टूल्स है वो भी तो बनाना है ना, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ले लिया। जैसे कि मुझे अभी स्टोन एक्स बनाना है, फिर मुझे एक शॉर्ट बनाना है, स्टोन का ही बना ले, स्टोन का बनाए छोड़ो चलो बना लेते हैं, क्या ही जाएगा, ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं इसके लिए, है ना। चलो हम चलते हैं जो विलेज है उसमें, एंड वहाँ से हमें आई होप कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें मिलेगा। देखते हैं कि विलेज छोटा है या बड़ा है। ये कभी कभी होता है कि दो तीन विलेज आ रही होते हैं और कभी कभी बहुत बड़ा विलेज होता है। विलेज का जो साइज है मतलब बिल्डिंग, ये पहला बिल्डिंग काफ़ी बड़ा लग रहा है, वो भी सेकेंड फ्लोर। ओके ऊपर से कुछ है, अच्छा ऊपर से कुछ नहीं है, लाइब्रेरी टाइप है। मुझे चोट का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये मुझे फेदर फ्लिंग टू है, तो छोटे मोटे जगह से मैं कूद सकता हूँ। एप्पल है, ओके ओके, आयरन इग्नेट है, चार आयरन इग्नेट, आयरन पिकेक्स मिल चुका है, आयरन का जो है पैंट मिल चुका है, तो पैंट पहन लेते हैं। आयरन पिकेक्स भी है हमारे साथ में, नाइस। गोल्डन एप्पल भी है, गोल्डन एप्पल तो मुझे उधर से मिला था जितना मुझे याद है, इसे तोड़ लेते हैं चेस्ट को, इसका इधर कोई जरूरत नहीं है। ब्रेड, ओके नाइस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक इसको मैं तोड़ लेता हूँ, इस ब्रेड को मुझे चाहिए, मैं बना भी सकता हूँ बट मैं तोड़ लिया, चलो कोई नहीं। ओके यहाँ पे भी काफी सारे ओ आयरन शोर, आयरन और आयरन की भाई कितने सारे पिकेक्स, मुझे तीन तीन पिकेक्स मिले, देखो तीन तीन आयरन पिकेक्स, आयरन शोर भी मिला है। मैंने बेकार में स्टील का बनाया था मतलब स्टोन का बनाया था, आयरन का इधर ऐसे ही मिल गया। तो चलो हम ब्रोइंग स्टैंड है इधर, बट उधर नेदर नेदर वर्ल्ड से चीजें लाना पड़ेगा अगर मुझे ब्रोइंग की चीजें बनाना है तो। ओके यहाँ पे काफी सारे ब्रेड, फेदर, बुक, गोल्ड नगेट भी मिला है, बढ़िया है, बस खत्म, ये इतना ही है। चलो क्या रेसिपी ओपन हुआ है, हेबल्स, हेबल्स से था कुछ, हेबल्स से कुछ यही होगा, ये तो भाई सीधा सीधा वीड है। आठ दस विलेजर तो होगा ही इधर, क्योंकि दो दो हेवेल का स्टैक मैंने देखा है, उधर भी एक था और इधर एक है। वेट लगाया नहीं कि ऐसा आ जाते हैं।
तो मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़े बहुत जो है यहाँ से पेड़ वगैरह तोड़ लूँ, मतलब काट लूँ जो भी बोलो आप। तो एक बार आप जब भी पेड़ काटो तो नीचे एक बार देख लेना, कुछ देर बाद नीचे आके एक बार देख लेना कि गिरा तो नहीं है। फिर में आपको फूड वगैरह मिलता है, स्टिक मिलता है, तो आपको समझ रहे हो ना, स्टिक के लिए अलग से वुड प्लैंक इस्तेमाल करना होता है, तो वो आपको नहीं चाहिए होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर से ही अपना घर बनाऊं, क्या बोलते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ से घर बनाऊंगा तो ज्यादा मेहनत मुझे करना नहीं पड़ेगा आई थिंक, शायद मैं ही विलेज है। क्योंकि मैं अगर दूर घर बनाता हूँ, मेरा हाउस अगर दूर होता है तो मुझे फिर वहां से विलेजर को लाना पड़ेगा, है ना, उनके साथ ट्रेड करने के लिए, अपने चीज़ों को इंश्योरेंस करने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। तो उससे अच्छा है कि मैं उनके पास ही रहूं। तो ये वाला एरिया काफ़ी जो है यहाँ पे खाली हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपना घर बना लेता हूँ। ओ एप्पल, नाइस एप्पल, तो भाई चाहिए चाहिए, फूड अगर फ्री में मिलता तो मना कौन करेगा, है ना। बट मुझे सैपलिंग नहीं चाहिए, सैपलिंग मुझे उसी काम करनी है सैपलिंग। तो मैं यहाँ पे तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ तो मुझे यहाँ पे मैंने गलत किया है, इसको मुझे ठीक करना है। यहाँ पे ऐसा होगा, कोबलस्टोन ले लेते हैं, कोबलस्टोन की जरूरत है अभी हमें फर्नेस बनाने के लिए। इनका कोई काम धंधा नहीं है, बेकार में मेरे घर में आके कचरा कर रहे हैं। तो हमारा विंडो आ चुका है। तो दोस्तों हमने जो हमारा घर है उसको काफी हद तक हमने बना लिया है, हालांकि अंदर अभी काफी चीजें बनाना है, ऊपर का छत बनाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सब कर लेंगे, ठीक है। और या फिर मैं ऑफलाइन भी कर लूंगा। एंड कल के नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है माइनिंग करने जाएंगे, क्योंकि हमें अभी जो है डायमंड वगैरह चाहिए, क्योंकि हमें जो पोर्टल तो हमें मिल ही चुका है, उसको हमें कॉम्प्लीट करना है, तो हम नेदर वर्ल्ड में जा सकते हैं। बट उसके लिए हमें जो है डायमंड पिकेक्स चाहिए, और डायमंड पिकेक्स के लिए डायमंड चाहिए, तो हम कल जो है डायमंड माइनिंग करने के लिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो घर है वो तो हम ऑफलाइन भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा वगैरह मुश्किल नहीं है। तो कल के एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना है कल का, ठीक है। एंड इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे माइंड का जावा सीरीज 1.17 सर्वाइवल सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो पूरा वीडियो देखना, पूरा सीरीज देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।